الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار عالم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقصى حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی گرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبق سے رہ گرچے زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تدوین میں اثر اکرموں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنون عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ عظام اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور آج کے رونق محفل جن کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اس پرفتن دور میں بھی جن کے چہرے اور جن کے سینے قرآن کے نور سے چمک رہے ہیں اصل میں تو میرے محفل وہ لوگ ہیں
वो हफाज़े किराम जिन्होंने दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया, और अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया वो कुरान जिसको हजरत इकरमा पढ़ते हुए कहते थे हाजा कलाम रब्बी हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है और मेरे ये मेरे रब का कलाम है और ये मेरे रब की किताब है। और याद रखिएगा कि दुनिया में अगर दुनिया की भलाई और दुनिया की कोई सिमत दुरुस्त हो सकती है, अगर दुनिया के तमाम मामला दुरुस्त हो सकते हैं, तो वो उसका एक ही तरीका है कि ईद उकूबत हाफिज यक दीगरन कायनात जिंदगी राम महवरन। अलामा इकबाल ने एक बाब बांधा है, गवर्नर अब्दुल समद की बेटी शरफ उन निसा का बाब है, बड़ा खूबसूरत बाब है। उसने कहा कि गवर्नर अब्दुल समद की एक बेटी थी, वो हमेशा कुरान पढ़ती थी और साथ तलवार रखती थी, ऐसे कुरान पढ़ती थी और साथ तलवार रखती थी। अलामा इकबाल ने कहा कि जब उसके वालदा ने उससे पूछा कि बेटी तू कुरान तो पढ़ती है, साथ में ये तलवार क्यों रखती है, तो उसने कहा ईद उकूबत हाफिज यक दीगरन कायनात जिंदगी राम महवरन। उसने कहा ये दो कुव्वतें हैं जो इस्लाम को और मुसलमान को इज्जतें देती है, ये दो कुव्वतें हैं। उसने कहा वो कैसे इज्जत देती है, ये साथ में तो तलवार क्यों रखती है। उसने कहा कि कुरान इसलिए कि तलवार को जुल्म के ऊपर ना चलने दे, और तलवार इसलिए कि ताकि कुरान का रास्ता साफ होता रहे। यह है इस्लाम का असल नजरिया, जिस नजरिए को हमने छोड़ा तो फिर आज हम सारी कुव्वतें और जनाब सारी फौजें और सारी कुव्वतें ताकतें और जनाब एटमी कुव्वत के हामिल होते हुए भी हमसे हिंदू कश्मीर ले गया। आज हमने जब सारी चीजें अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना छोड़ा, आज पूरी उम्मत जलील क्यों है। लोग कहते हैं जी आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, मैंने कहा इकबाल से पूछ लेते हैं, इकबाल तो सख्त बातें नहीं ना करता, उसके तो तसव्वुर से ये पाकिस्तान बनाया। अल्लामा इकबाल से पूछ लेते हैं, मौलवियों की बात ही नहीं करते ताकि तुम्हें तकलीफ ही ना हो, इस हुलिये की तकलीफ है, इस हुलिये की आलम कुफर को भी तकलीफ है और उसके सारे गुमाश्तों को भी तकलीफ है कि 1400 साल के बाद भी आज भी उम्मत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया अपनाने में इतनी दलेर और इतनी ताकतवर है कि हर जालिम की आंख में इस हुलिये को बदनाम करने के लिए, इस दाढ़ी को, इस पगड़ी को, इस हुलिये को बदनाम करने के लिए पता नहीं कुफर ने क्या क्या साजिशें की। कभी जनाब इस हुलिये में दहशतगर्द भेजे, कभी इस हुलिये में खुदकुश बम्बार भेजे और पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन ये दीन मिटने वाला नहीं है, ये इस्लाम मिटने वाला नहीं है। जो मर्जी साजिशें कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, इकबाल कहता है अब तेरा भी दोहराने को है फकरे वजूद के खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमो दर। बड़ी कोशिशें कुफर कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, फिर दुनिया की कोई चीज इसके सामने नहीं ठहरती, फिर ये दुनिया की किसी चीज को सामने नहीं देखता कि ये सामने सुपर पावर खड़ी है, अमेरिका खड़ा है, फलां खड़ा है, फलां खड़ा है। जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, फिर ये किसी ताकत को खाते में नहीं लाता कि कुव्वत सुल्तानो अमीर अजला इला और हैबत मर्द फकीर अजला इला। इकबाल कहता है अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अवली है, इश्क ना हो तो शनो दी खुद का दायरा तसव्वुरात। और इकबाल कहता है हिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़ी मुद्दतों बाद एक दरवेश आता है जो दिलो निगाह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और पूरी उम्मत को समझा कर जाता है कि अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी किस तरह है और मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाना किस तरह है। और अगर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर कोई वक्त आ पड़े, कोई जरूरत पड़ जाए, तो फिर उसके ऊपर डट कर पैरा देना किस तरह है कि यहाँ तुमने बात करनी है आलम कुफर, वहां घर बैठ कर कांपेगा, वहां घर बैठ कर कांपेगा। हमने बात करनी नहीं, हमने पूछनी सारी बातें इकबाल से, इसलिए कि जनाब इस हुलिये से तकलीफ हो गई है। यदि ये मौलवी कौन होते हैं जो सियासत करें, मौलवी कौन होते हैं जनाब इनका तो मस्जिद में अल्लाह अल्लाह काम करना है और अल्लाह अल्लाह करें जनाब मस्जिद में बैठे होकर तस्बीहें फेरें, नमाजें पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, हाँ सब काम करेंगे और साथ में उम्मत की सीधी राह भी ढूंढेंगे और सीधे रस्ते भी निकालेंगे। यही मुफ्ती साहब है जिन्होंने इन बच्चों को कुरान की तालीम दी है, यही मुफ्ती साहब है जिन्होंने बच्चों को अभी बता रहे थे कि जनाब PhD और स्कॉलर बनाए हैं और जनाब वकला तैयार किए हैं, यही मुफ्ती साहब है। हर काम मुफ्ती साहब करेंगे इंशाल्लाह इस मुसल
अल्लाह इमामत पर भी खड़े होंगे और उस इमामत पर भी खड़े होंगे जिस बारे में इकबाल कहता है आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमंग क्या है, आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमंग क्या है, शमशीर और सुनावल ताउस और बाबा है। इकबाल कहता पहले बदर जाना पैदा, पहले ओहद जाना पैदा, पहले खंदक जाना पैदा, पहले मुरैसी जाना पैदा, पहले मुस्तलिक जाना पैदा, पहले तबूक जाना पैदा, पहले जनाब जरमूक जाना पैदा, पहले कासिया जाना पैदा, फिर कैसर किसरत दिए खजाने कहना चाहते घर बैठे नहीं बुझाता, उसी घर बैठे करो जनाब हमें हम बड़े कश्मीर हमारी शारक है और जब शारक पर कब्जा हो जाए तो आप फड़को भी नहीं। आज किसी की अभी खड़ी कर कर किसी की शारक पर हाथ रख लिया जाए तो वो एक मिनट के बाद जनाब तड़पना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी शारक पर हिंदू आकर बैठ गया तुम्हें जू भी नहीं देंगी। तुम कहते हो आधा घंटा धूप पर खड़े हो जाओ, आधा घंटा जनाब एहतजाज करो रोडों पर खड़े होकर कश्मीर वापस चला जाएगा। लोग कहते हैं कि मौलवी जज्बाती बातें करते हैं, मौलवियों के बारे में एक तस्वीर बनाई गई कि जनाब जब बगदाद लुट रहा था तो मौलवी एक मसवाक के ऊपर लड़ रहे थे, जब बगदाद जब सकूते ढाका हो रहा था तो मौलवी इस बात पर लड़ रहे थे कि मूंछ में बाकी सफेद बाल आ जाए तो जनाब इसको निकालना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मौलवी उस वक्त भी ये बातें नहीं कर रहे थे। चलो वो बातें माजी हुई, ना हम उसमें थे ना तुम थे। आज कश्मीर लुट रहा है, आज जनाब फलस्तीन लुट रहा है, आज पाकिस्तान का हर मजलूम पिस रहा है। मौलवी तो आज भी स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा है क्यों गोरी बाल कटो, ओए अब्दाली बाल कटो, ओए खालिद बाल कटो, ओए हसन बाल कटो, आओ कश्मीर आगे लगे। लेकिन घर बैठ के कौन बैठ गया, अब उसको लेके थले तक किसे दी जनाब सिर्फ जू भी नहीं रहेंगी और यही सिर्फ कहने कि हम कश्मीर के लिए जद्दोजहद करेंगे, हम कश्मीर के लिए जनाब फलां करेंगे, हम कश्मीर के लिए फलां करेंगे, हम अक़वामे मुत्तहिदा के पास जाएंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तुम्हें इन कफन चोरों से उम्मीद है कि वो तुम्हें कश्मीर लेकर देंगे। बाबा जी ने कहा था सारे बार कटो ते मेरी वीर चेर रखो अगे दशामी का कश्मीर पता ना होया तो साडा नाम बदल के रख दे। क्या भाई अजे तक तुम चाहता नारा ला नहीं लाना आया कि तुम हजूर दे दिन कदों तक लियाओगे मैंने दसो पहले मैंने कोई मजा नहीं आया। मैं तो पाकिस्तान पूरा फिर रहा लोग सीने फाड़ फाड़ के नारे ला देने और जनाब इतने दीवाना वार इकबाल थोड़े बारे क्या कि क्या सी फितरत के मकासद की करता है निगेबानी या बंदा है सहारा या मर्द है कोहिस्तानी ते तुहाड़े ते दोवें नेड़े नेड़े लगते पहाड़ भी नेड़े लगते ते सहारा भी तुसी बैठे हो ते तुहाड़े कोल नारा लब्बै ते सही तरह नहीं लग रहा या तो फिर आ गया तो बस कर रही है देखो
असा ना रस्मन आए बैठे हैं ना रस्मन कोई काम करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्यादत ने और तहरीक लबैक पाकिस्तान की तारीख गवाए के ना रस्मन कोई नहीं कीता, कोई काम भी रस्मन नहीं कीता। जड़े रस्मन आए सन वो रस्ते तो ही वापस चले गए। हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। रस्मन